व्यवस्था के तहत ये किया गया है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका लिस्ट हम लोगों ने भेज दिया है प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन है, वो उन लोगों को हर पंचायत में अलग अलग जगह चिन्हित किए हुए हैं। वो स्कूल हो सकता है, कहीं कहीं पर पंचायत भवन भी सुनने को आया है, वहाँ पर वो लोग रहेंगे 14 दिनों तक रहेंगे। उसको क्वारंटाइन कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। 14 दिन तक कोई लक्षण नहीं मिलता हमको तो फिर वो अपने घर चले जाएंगे। अगर इस बीच में कोई लक्षण आता है इस तरह का, सांस का फूलना, तेज बुखार, सूखी खांसी, तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों को फिर आगे आइसोलेशन रूम में रखेंगे, वहाँ से फिर उनका ब्लड जांच होगा, ब्लड जांच की सब रिपोर्ट आएगा, फिर जो प्रक्रिया है आगे की अपनाई जाएगी। अब तक कितने मुंबई और महाराष्ट्र से जो है मजदूर यहाँ पर आए हैं इलाज कराने के लिए, दिखाने के लिए? जो रिपोर्ट मेरे पास है वो 87 का है। अब तक क्या कुछ पाया गया जी? नहीं सर, 14 दिन से पहले अगर लक्षण उनको मालूम नहीं होता तो उनका स्वास्थ्य व्यवस्था, लक्षण मालूम नहीं होता है तो वो लोग फिर ठीक स्वस्थ हैं, उनको ये नहीं कहा जाएगा कि वो कोरोना से प्रभावित हैं या पीड़ित हैं, वो अपने समाज में जाएंगे, अपने घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। द न्यू चैप्टर ऑफ हाईटेक चाइल्ड एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, मेडिटेक सिम्बायोसिस एकेडमी, भेरिया रेखा कटिहार। स्वर्ण पदक प्राप्त प्रसिद्ध विद्वान शिक्षक द्वारा संचालित प्री नर्सरी टू 10th वाइफा कैंपस सेपरेटेड हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड टीम, सेफ एंड सिक्योर कैंपस। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिटेल्स, ब्रांडेड स्कूल मेडिटेक सिम्बायोसिस एकेडमी, 6299779474, 6200700।